फ्रेश होकर मैं अपना शर्ट चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने हाथ में बैंडेज करवाना है अपने सिस्टर से। हम लोग तो मम्मी डैडी है नहीं कि डॉक्टर के पास जाए बोले चोट लग गया फिर दवाई ले। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन बाद आप लोगों को मॉर्निंग किया हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है मूवी की शूट चल रही थी तो उसी का BTS बना रहा था, व्लॉग स्टार्ट कर रहा था 10 मिनट पहले, फिर पूरा BTS दिखा के फ़ौरन से व्लॉग एंड कर दे रहा था क्योंकि उसी काम में बिजी था। तो आज का कुछ पता नहीं है कि आज शूट है या नहीं क्योंकि आज है मंडे और थर्सडे से सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम वगैरह स्टार्ट है। तो हम्माद और हाफिज़ हम्माद दोनों के एग्ज़ाम है तो उन लोगों ने कहा था कि सारी चीज़ें करके रखेंगे, अभी कुछ 3 शूट आई थिंक बाकी है तो हम लोगों ने कहा कि चलो 3 शूट पेपर के बाद कर लेंगे, बाकी पूरा मूवी जो है वो एडिट करके रखेंगे। तो पूरा मूवी एडिट हो जाएगा। आज का पता नहीं क्या सीन है, मैंने हम्माद को भी मैसेज किया, 11 बज रहा अभी, अभी मॉर्निंग हुई है तो हम्माद ने भी मुझे कुछ रिप्लाई नहीं दिया कि आज शूट करना है या नहीं करना है क्योंकि आज लास्ट होगा, आज मंडे, भी उसके बाद 2 दिन बाकी रहेगा। हाँ, उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे तो उनको तैयारी वगैरह भी करना है तो आज लास्ट शूट है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा आप लोगों के लिए व्लॉग ज़रूर बनाना है। BTS देख देख के आप लोग भी थक गए होंगे तो कुछ न्यू होना चाहिए। और मेरे हैंड में ना चोट लग गया था कल, बहुत का मतलब बहुत तेज़, अभी मैंने इससे बैंडेज उतारा हुआ है, अभी थोड़ा सा बेहतर है। कल मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक चोट लगा, कहाँ से लगा वो आप छोड़ दें। तो व्लॉग भी करते हैं यहीं से स्टार्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब। ओह, मेरे से हाथ भी नहीं उठाया जा रहा यार, इतना दर्द है। तो लाइक कमेंट शेयर भी मस्ट है, अभी से लाइक करते क्योंकि व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो करते हैं व्लॉग को यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू दी न्यू, अपना हैंड तो उठा नहीं सकता, व्लॉग। अभी मामा ने नाश्ता वगैरह बना लिया, मुझे आवाज़ दिया कि नाश्ता आगे ले लो, मैंने कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ तो चलते हैं जल्दी से नाश्ता लेते, एक हाथ तो काम नहीं कर रहा है और दूसरे हाथ में मोबाइल, अब दोनों हाथ से काम चलाना पड़ेगा तो जल्दी से लेते हैं नाश्ता। नाश्ता आ चुका है मेरा और आप लोगों को पता है नाश्ते में मैं एक ही चीज़ खाता हूँ, एग और पराठा, तो वही नाश्ता मेरा आया है। और ये पता नहीं यार फेस में ये कैसे पिंपल निकल गया, फर्स्ट बार मुझे पिंपल निकला है, पता नहीं काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा है इधर और हाथ में तो इससे भी ज़्यादा डबल हो रहा है। तो करते जल्दी से नाश्ता, लगता है सारी चीज़ें ना एक साथ ही मुझ पर आई है तो अल्लाह पाक खैर करे। तो नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद मिलते हैं। फाइनली नाश्ता वगैरह डन हो चुका है और आज माशाल्लाह से मौसम है ना, मौसम भी थोड़ा सा बेहतर है, इतनी ज़्यादा तेज नहीं है। और आप लोगों को पता है मेरे घर के बाहर एक तरक्की हो रहा है, वो टेरिस पर जाके दिखाता हूँ। तो भाई ये रोड बन रहा है, आज काम स्टार्ट हुआ ये रोड का और धूप नहीं है यार लेकिन आज गर्मी कुछ ज़्यादा है, मुझे लगता है बारिश होगा क्योंकि मौसम उस साइड का है काफ़ी ज़्यादा अच्छा, हमेशा अगर वहाँ से बादल आता है तो बारिश लाजमी होता है। और मैं स्लीपर भी पहन कर नहीं आया, बहुत गर्म हो रहा, मैं जा रहा हूँ नीचे, बस यही तरक्की है, ये रोड बन रहा है, चलो शुक्र है कुछ न्यू काम दो हमारे कराची में। अब जल्दी से करता हूँ मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज क्योंकि मुझे जाना है किसी काम से, वहाँ से फारिग होकर आऊँगा, फिर देखो आज हम्माद आता है या नहीं, वो जैसे ही आएगा तो फिर इंशाल्लाह आज शूट होगा या नहीं, पहले मैं कपड़े अपने चेंज कर लूँ। फाइनली रेडी हो चुका हूँ मैं और आज का आउटफिट है, और मैं ना इस हाथ को ज़्यादा नहीं हिला सकता, अभी उस टाइम मुझे पता नहीं था व्लॉग बनाते हुए मैंने हाथ हिला दिया, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ किसी काम से तो वहाँ से फारिग होकर आऊँगा, जब तक हम्माद कभी फाइनल हो जाएगा क्या शूट वगैरह है या नहीं। और जो मेरा अपना हेयर है ना वो काफ़ी ज़्यादा जल चुका है तो मैंने यही सोचा है कि अपने पूरे हेयर को छोटा छोटा कर लूँगा, फिर इंशाल्लाह जब न्यू बाल निकलेगा ना तो सही निकलेगा। तो अब जैसे ही शूट ख़त्म होगा तभी कर सकता हूँ, अभी नहीं कर सकता, इस वजह से मैं वेट कर रहा हूँ जैसे ही शूट ख़त्म हो अपने हेयर कट करूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ काम से तो फिर मिलता हूँ क्योंकि गेट मेरे सामने, तभी बाय बाय। 2 hours later
जिस काम से गया था अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कंप्लीट हो चुका है। आज धूप नहीं है लेकिन गर्मी ना बहुत ज़्यादा है, और मैंने पौनी बांध दिया था क्योंकि एयर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। अब जल्दी से फेस वॉश वगैरह करता हूँ, फिर मुझे दोस्त को कॉल करना है क्योंकि मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। मैं आप लोगों को लैपटॉप दिखाता हूँ। फ्रेश होकर मैं अपना शर्ट चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने हाथ में बैंडेज करवाना अपने सिस्टर से। हम लोग तो मम्मी डैडी है नहीं कि डॉक्टर के पास जाएं, बोले चोट लग गया फिर दवा ही लें। फिर काफ़ी ज़्यादा पंचायत होता है तो हम लोग खुद अपना देसी तरीका आइडेक्स लगा के गर्म पट्टी बांध के खुद ब खुद सेट हो जाता है। कल मैंने बांधा हुआ था लेकिन मैं सुबह उतार दिया था व्लॉग के लिए, और फिर भी और भी काम था इस वजह से। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी सिस्टर से आइडेक्स लगा कर बैंडेज बनवाने। से बैंडेज करवा लिया ये रहा पूरा, और अभी नीचे हम्माद आए हुए, उनको मैंने कॉल किया था क्योंकि मेरे लैपटॉप में मसला हो गया, लैपटॉप ऑन नहीं, और मैं उनको जा रहा हूँ नीचे से रिसीव करने। उनको रिसीव करके ले कर आता हूँ अपने रूम में, फिर लैपटॉप निकाल के आप लोगों को भी दिखाता हूँ क्या मसला, और फिर उससे सही करवाता हूँ। हम्माद लोग आ चुके हैं, ये दोनों सामने बैठे हुए, शर्म तो है नहीं, सलाम ही कर दो, बोल दूँ नहीं नहीं बोलूँ। अभी मैं अपना लैपटॉप ला के रखा हुआ है, अभी लैपटॉप अपना निकालता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें क्या मसला, फिर हम से सही करवाते हैं। यूएसबी लेकर है अम्मा, हाँ अल्लाह का शुक्र है यूएसबी लेकर है। तो जल्दी से लैपटॉप ऑन करते हैं और सेट करवाते हैं। लैपटॉप ऑन कर दिया, लैपटॉप में क्या मसला हट जाए भाई साहब। ये किससे बात करो आप, देखो ज़रा मोबाइल किससे बात कर रहे हो। अच्छा अच्छा देख लो दोस्त, दिखा ना देख लो। अच्छा दोस्त नहीं है वो, दोस्त के नाम कुछ और है। साइड 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 ये सीन एक बार पहले भी हो चुका है जब हम लोग फिल्म शूट कर रहे थे, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ था, फिर सेट कर लिया था, लेकिन कल रात को फिर ये हो गया था। अभी अम्मा सेट करे, देखते हैं कि अभी ऑन होता है या नहीं। अभी लैपटॉप में अम्मा ने अपना कोई मंजन किया है, तो पता नहीं क्या मंजन, अभी थोड़ी देर बाद ऑन होगा। हम लोग दोनों इधर बैठ के काम करें, और ये भाई साहब लेट के आराम करके मोबाइल चलाए, वाह क्या बात है। ये मेहनत करने वाला नहीं है, ये सिर्फ बैठ के खाने वाला लड़का है। अभी लैपटॉप में और काम चल रहा है, बस दुआ है जल्दी से ऑन हो जाए। मत भाई ऑन तो हो जाएगा ना इंशाल्लाह। वाह मत भाई वाह वाह, आपकी क्या ही बात है। अगर आज तुम लोग नहीं आते रही हो, ऑन नहीं होता तो मेरा व्लॉग भी एड नहीं होता। हो रहा आप आराम करो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 2 3 गो लेट्स गो। आज करना था मैं तेरा, आज मैं खुद अपलोड करूँगा, तू नहीं करेगा। कौन सा मतलब जो भी अभी व्लॉग अपलोड करेगा। नहीं करूँगा ना, यही नहीं कोई आज नहीं कल करेगा ना। कल आऊँगा ही नहीं। ऐसा क्या है यार, मैं एक चीज सोच के रखा हूँ, बताता हूँ अभी पहले लैपटॉप ऑन हो जाए। काफ़ी कोशिश की हम लोगों ने सेट होने का कि सेट हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, इसको विंडो करना पड़ रहा है। तो हम्माद लेकर आया था यूएसबी, तो अभी हम्माद विंडो कर रहे हैं, लेकर क्या है। तो अभी ये विंडो कर रहा है, तो इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट में ऑन हो जाएगा। अभी इधर विंडो कंप्लीट नहीं हुआ है, विंडो कंप्लीट होने में अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेगा। मुझे अभी जाना है किसी काम से, दोस्त ने कॉल किया 5 मिनट किसी से मिलना है, तो हम लोग इधर बैठे हुए मैं जा रहा हूँ।
आज मैं आता हूँ 5 मिनट में, तो मुझे मिलना है किसी से, उसने बुलाया इमरजेंसी में, तो उससे मैं मिल कर आता हूँ जब तक मेरा लैपटॉप भी ऑन हो जाए। यार इन लोगों ने अभी मेरे साथ ऐसा हरकत किया ना, बहुत ज़्यादा इन दोनों पे गुस्सा आ रहा है, लोगों को मैंने पीटा भी बहुत ज़्यादा। ये दोनों लेटर में इन लोगों ने अभी मेरे साथ प्रैंक किया, मैं गया, ये लोग मुझे मोबाइल यूज़ करने नहीं दे रहे, अजीब हरकत कर रहे थे। मैं बोला पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, ना ये लोग व्लॉग बनाने दे रहे थे ना कुछ। जब इनके साथ मेरा फुल लड़ाई हो चुका था, फुल पड्डे के मूड में था, मैं इनको मैं भगा रहा था, तो बाद में इन लोगों ने बताया नहीं करा मार, बाद में इन लोगों ने बताया कि कैमरा लगा हुआ है, ये वॉस रखा हुआ है ना, वॉस के पीछे कैमरा लगा हुआ है। इन लोगों की ऐसी हरकत है, तो काफ़ी अभी मैं डंडा वगैरह हुआ, मैंने कहा व्लॉग वगैरह भी स्टार्ट कर लूँ, तो ये लिंक दे दियो नीचे डिस्क्रिप्शन। नहीं क्यों दूँ, मेरे साथ ही हरकत करो, मुझे ही बोला लिंक दे, ताकि पता चले ना ऑडियंस को क्या हुआ इसके साथ। नहीं लेकिन अम्माद बहुत गलत किया, गुस्सा तो मुझे अभी भी बहुत तेज आ रहा है, लेकिन व्लॉग के टाइम में थोड़ा ठंडा हो जाता हूँ, तो दे दूंगा लिंक। वैसे वीडियो करता आजकल मेरी अपलोड यही है, यही अपलोड वगैरह कर रहा होता, तो डिस्क्रिप्शन में डाल देगा अगर इसको डालना होगा, लेकिन अगर मैं अगर अपलोड करूँगा तो मैं कोई लिंक वगैरह नहीं डालूँगा, क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ, मैं इतना बुरा लग रहा, मैं यहाँ मेरे हेयर पूरे ख़राब हो रहे, ठीक है। मैं अभी इसने मुझे बाद में जब वीडियो दिखाई है ना, पूरा ऐसा लग रहा कोई बंगी आगे बैठा हो, लोगों ने मेरे साथ ऐसा हरकत किया, तो आप लोग जाके देख लेना। अभी लैपटॉप में हम लोगों ने कुछ काम लगाया हुआ है, तो वो कंप्लीट होगा 10-15 मिनट में, फिर देखते हैं कि क्या सीन है। हम आप लोग जा चुके हैं और मैंने अपना लैपटॉप भी रख दिया, अभी अभी वो लोग गए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि हम लोग काम कर रहे थे, लैपटॉप सही हुआ इतने देर से, फिर सारा काम तो हम लोगों ने फारिग किया। और आज जो मौसम है ना, थोड़ा बहुत बेहतर हो रहा है, लेकिन गर्मी है, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो यार इसने जो मेरे साथ प्रैंक किया ना, ये अपलोड कर देगा रात तक, तो जाके आप लोगों ने लाजमी देखना है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। मेरा हाथ में चोट लगा था, फिर भी मैंने वो थप्पड़ पे थप्पड़ मारूँ मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं दिमाग का बहुत ज़्यादा ही गर्म इंसान हूँ, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो इन लोग ऐसा हरकत करे तो मुझे कोई इरीटेट नहीं करे, मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट होता हूँ जब कोई मस्ती वगैरह करता है या मेरे साथ, या हाथ वगैरह कंधे वगैरह पर रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब होता हूँ मैं। इस वजह से मैंने सबसे ज़्यादा ना हाफिज अम्माद को मारा, उसको मैंने खूब पिटा, आप लोग जाके देखना, काफ़ी अच्छा प्रैंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो व्लॉग को भी मैं कर रहा हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा है और मुझे अभी किसी काम से भी जाना है। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैंने डेली वाला व्लॉग बनाया, वरना तो मूवी वगैरह के आप लोगों को व्लॉग मिल रहा था। तो दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।